हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी बवासीर का घरेलू उपचार है मूली। दोस्तों, अक्सर सलाद और सब्जी में इस्तेमाल होने वाली मूली हमारे सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। यूं तो मूली को खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पाइल्स की रोकथाम के लिए मूली से बेहतर और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आपको बता दें कि मूली के नियमित और सही इस्तेमाल से पाइल्स की समस्या को कुछ महीनों में दूर किया जा सकता है। मूली को रोज़ाना खाने से आपकी पाइल्स की समस्या बढ़ती भी नहीं है। पाइल्स किसी को अगर हो तो भी वो इंसान के विशेष हिस्से में हर समय दर्द और जलन की शिकायत बनी रहती है। वहीं ये देखा गया है कि पाइल्स के मरीजों के साथ सबसे बड़ी समस्या हमेशा यही रही है कि वो इसका जिक्र अपने परिवार वालों से या क्या डॉक्टर से भी करने में शर्माते हैं, यूं कहे कि कतराते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर से सलाह लेकर उसका सही इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। दवाइयों के साथ इस घरेलू उपाय से कुछ ही दिनों में आपको इस समस्या से राहत मिल सकती है। क्या आप जानते हैं कि पाइल्स के मरीजों को अक्सर मूली खाने की सलाह दी जाती है? इसका सबसे बड़ा कारण और कुछ नहीं बल्कि मूली में डाइट्री फाइबर्स का पाया जाना। ये फाइबर्स आपके स्टूल को मुलायम करने में मदद करते हैं। यही नहीं, इससे पाचन क्रिया भी बेहतर होती है। मूली में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो इस दौरान होने वाले दर्द को कम करने में मदद करते हैं। वही नहीं, इसके अलावा मूली ठंडक देने का काम करती है, जिससे जलन में भी बहुत राहत मिलती है। पाइल्स के मरीजों को कोशिश करना चाहिए कि वह कच्ची मूली का ही सेवन करें। आप चाहें तो इसे घिस कर भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसका रस निकाल कर भी पी सकते हैं। मूली के रस का सेवन करने से पहले एक बार ज़रूर अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह लेना ना भूलें। आप चाहें तो इसके रस का इस्तेमाल संक्रमित जगह की जलन को शांत करने के लिए भी कर सकते हैं। बाज़ार में मूली का पाउडर आसानी से मिल जाएगा। आप चाहे तो इसके पाउडर को भी प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आप बाज़ार से कुछ भी खरीद कर प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो मूली की पत्तियों को छाया में सुखा कर घर पर ही उसका चूर्ण बना सकते हैं। एक महीने के नियमित सेवन से आपको फ़र्क खुद नज़र आने लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। Thank you. Bye.